अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक। हाँ तो अबू जान आपने बुलाया था, मैं आ गया हूँ। आज तो फरमान भाई आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? तबीयत ठीक है? इनके घर से हम ढोलक लेके आए थे, हाँ, आज उठाने के लिए वापसी आया हुआ है। अच्छा, तो इसने बोला है कि मैं तो जा रहा हूँ। मैंने कहा यार मेरे बेटे का एक सेरा सुना दो। इसीलिए मैंने इसको रोक के रखा हुआ है कि एक सेरा हमारा बना के दो। चलो सुनाओ फरमान भाई फिर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जो बीमार है शफा अता फरमाए, जो बेदाद है सुनेक सारी औलाद दे। आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह का फजल करम से आप भी ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से हम भी ठीक ठाक हैं। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए, जो बेऔलाद है अल्लाह ताला उनको नेक सले औलाद दे। तो शुरू करते हैं आज के न्यू व्लॉग। तो रहने आपने हमारे साथ साथ, आज की वीडियो जो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार, और वीडियो को जो है स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। वीडियो जो है हमारी पूरी वॉच करनी है। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है सब बहन भाइयों से कि जो बहन भाई हमारे चैनल पर न्यू आ चुके हैं, जल्दी जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। तो माशाल्लाह से जो है आज जो है तहर भाई मेरे साथ हैं। हाँ, सलाम दुआ कर लो आप भी जी सब भाइयों को। अस्सलाम वालेकुम सब भाई, खुश रहो, आबाद रहो, बसते रहो। वालेकुम सलाम। तो मैंने सुना है आप ससुराल से एक मुर्गी लेके आए हो। हाँ मुर्गी लेके आए, वो देखो ये मुर्गी जो है तहर भाई लेके आए अपने ससुराल से। मेरी दो मुर्गियां थी तो आपने कहा मैं भी एक ले आऊं, अंडे खाऊंगा। तुमने अपने ससुराल से ली है, शहर से, मैं भी ले आया हूँ मामू हाशिम से। आपने भी फिर रहा नहीं गया आपसे, आप भी एक मुर्गी ले आए वैसे। हाँ अच्छा, चलो अच्छा है मुर्गा वैसे है हमारा, दो मुर्गियां होगी है। चलो झुंड बन गया इनका, नहीं तो पहले ये अकेले अकेले फिरती थी, अब तीन चार कट्ठी होगी ना जरा। अब जो है फिर ये इसको लग गया, पहले लड़ती रहती। हाँ अब जो है इसका दिल लग गया। अच्छा दावत खाए गए थे शहर वालों की। हाँ तो आज किसकी दावत है? आज इधर बस्ती में एक दावत, आज अपनी बस्ती के अंदर है, गांव में है। माशाल्लाह तहर भाई की तो शादी हुई नहीं, नहीं तो अभी तो इसके दावते शुरू है, कभी उसकी दावत कभी इसकी दावत। हाँ चलो खाना खा लिया आपने? हाँ किस चीज के साथ? मैं हलवा बनाया था। हलवा बनाया था सूजी का? वाह भाई वाह, हमारे साथ खाना है तो खा, आ जाओ खाना खाओ। ये खा लिया है हमने। हाँ हम तो खाएंगे अभी क्योंकि मुझे फिर काम पे जाना होता है, तो इसलिए रात को मैं कितने बजे देर से लौटा था। तो प्यारे बहन भाइयों को वीडियो में बताया भी था कि ये जो है मैं 12:30 बजे घर लौटा हूँ। तो फिर खाना खाते एक बज जाता है, फिर जो है सुबह जाग नहीं होती वीडियो बनाने के लिए। हाँ। तो आज जो है मैं लेट हो गया हूँ। हाँ चलो ठीक है फिर। चलो ठीक है आज मैं खाना खा लूँ। तो खाना जो है माशाल्लाह से हमारा लग गया है। हाँ जी। और बुशरा आप भी आ गए हो जी। हाँ आप खाओगे खाना? आई बुशरा को न्यू टोपी पहनाई है। हाँ जी। वाह ये तो बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी को। हाँ और पराठे। हाँ जी। खाने में जी। और मीठा हलवा सूजी जी। ऐसे जी। आज तो सूजी बना ली फिर। आज किसने बनाई है? आपने? हाँ जी। वाह खिलाओ मेरी बेटी बुशरा को पहले खिलाओ। हाँ चलो ठीक है। तो खाना जो है हमारा लग गया है। जो प्यारे बहन भाई हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं तो आके खाना खा सकते हैं जी, ऐसे जी, खाना जो है हमने खा लिया है। हाँ जी, मजे के साथ जी। बहुत ही जबरदस्त बना हुआ था। हाँ जी। मजे का जी। आज तो दिल खुश कर दिया आपने। चला। बुशरा आपने नहीं खाना?
खा लिया है हाँ? खाना खा लिया, खाना खा लिया। नहीं जुराबे पहना ही है इसको न्यू। वाह भाई वाह। हाँ जुराबे भी पहनी है। चलो ठीक है, चाय फिर आ गई है। ये लो ये आपकी चाय, मैंने जादू के इधर बैठे बैठे चाय मंगा ली है। ठीक है मेरी भी चाय आ गई है। चाय जो है भाभी जान देख गई है। तो हमारी तो कोशिश थी कि भाभी जान को वीडियो में लाएं, लेकिन तहर भाई जो है वो कह रहे थे कि हमने जो है वीडियो नहीं बनवानी, तो इसलिए जो है हम भाभी जान की वीडियो नहीं बनाते। काफी सारे बहन भाइयों के जो है कमेंट्स आ रहे थे कि आप भाभी जान दिखाओ, भाभी जान दिखाओ। तो अब हर बंदे की मर्जी की बात होती है। तहर भाई को मैंने बोला है कि वीडियो बनाऊ भाभी की, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा बनाएगा था, उसकी मर्जी है। हाँ जबरदस्ती तो नहीं है, मैंने तो उसको कहा है, मैंने कहा भाभी की वीडियो बनाएंगे, उसने कहा नहीं बनानी। तो इसलिए जो है हम भाभी को वीडियो में नहीं लाते जी। चलो पियो चाय। खैर है फिर क्यों आग जला रहे हो, खाना भी खा लिया चाय भी पी ली। बुशरा का दूध गर्म कर रहे हो? बुशरा का दूध गर्म कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा रोज लेते हो इस टाइम को जी। दूध भी तो आप कौन सा एक नंबर आता है, पानी वाला दूध होता है। हाँ आग जला दी पहले, दूध रखा नहीं, रख दिया। अच्छा ये कौन से परिंदे की आवाज है? पता नहीं। क्यों? देखा तो नहीं आ रहा। अच्छा चलो आप दूध गर्म कर लो जी। उसके बाद जो है फिर वो मेरा तो कपड़े वगैरह धोए थे, थैले में डाल के रखे हैं। क्यों काम पे जाना है ना मैंने जी। इसलिए मैं भी रोज सोचता हूँ कि छुट्टी मांगूंगा इस सेठ से कि आपके अम्मी के घर से जाना है जी। रोज भूल जाता हूँ, आज फिर मैं भूल गया। आज शाम को जो है फिर लाजमी पूछ के बताऊंगा। आप समझ रहे होंगे कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ रोज रोज नहीं, भूल जाता हूँ या फिर सेठ चला जाता है या फिर कहीं आगे पीछे हो जाते हैं, बता नहीं पाता। तो आज जो है लाजमी हर सूरत में उसको बताऊंगा। और हुमैर भाई कहाँ गए? मामू के घर। हाँ जी। अच्छा तो काम था ना इसलिए। सही। मुशरा को चाय तो नहीं देना, इसको चाय ना दिया करो। इसलिए तो दूध पीते हैं। हाँ इसको दूध पिलाया करो, चाय नहीं देनी इसको, चाय से ना इसकी जो है तबीयत बिगड़ जाती है। हाँ। आपको पता है फिर गरीब बंदा फिर परेशान होता है, एक बार तबीयत खराब। हाँ अभी बर्तन भी धोने हैं आपने, चलो आप धोते रहना, मेरा तो टाइम हो गया, मैंने तो जाना है काम पे, धुआं धुआं कर दिया। चिरा क्या कर रहे हो? ओए ऐसे नहीं, बुरी बात। हाँ ये क्या है, छाबी है, रोटी खाओगे? हाँ वह मेरे हाथ पे मार दिया। आपका दूध गर्म हो रहा है, दूध 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 पियोगे? दूध गर्म हो रहा है आपका, ठीक है। वैसे जो है मेरा काम का टाइम तो हो गया है, लेकिन अबू जान ने मुझे बुलाया, कह रहा है ढोल वाला आया ढोलकी लेने उठाने के लिए, तो कह रहा है उससे एक गजल सुनते हैं, तो आ जाओ। अबू जान मुझे बुला रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ अबू जान के पास, वहाँ जाके आप सबके साथ भी शेयर करेंगे क्या होता है और क्या गाना गाते हैं। हाँ तो अबू जान आपने बुलाया था, मैं आ गया हूँ। आज तो फरमान भाई आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? तबीयत ठीक है?
जिनके घर से हम ढोलक लेके आए थे हाँ। आज उठाने के लिए वापसी आया हुआ है। अच्छा, तो इसने बोला है कि मैं तो जा रहा हूँ। मैंने कहा यार मेरे बेटे का एक सेरा सुना दो। इसीलिए मैंने इसको रोक के रखा हुआ है कि एक सेरा हमारा बना के दो। चलो सुनाओ फरमान भाई फिर। अल्लाह ने तू खुशियां दी राते आसेरे वाला घोट तू पासेरे मुद कुमदनी लाया भागे ओ घड़ा भी घड़ोली पीर शादन वाली भरी होज को सर दे नाले ओ जीवन सदा पुत्रा दिया जोड़िया शला हरियारा हवे बाबे वाह 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 ओ जीवे घोट प्यारा बाबे दिया के दादारा जीवे घोट प्यारा बाबे दिया के दादारा सेरा पाके आसे अमड़ी को लाबासे अमड़ी दा हकदारा अमड़ी दा हकदारा लगने दिल को प्यारा ओ जीए घोट प्यारा बाबे दी हकदारा माशाल्लाह वाह वाह फरमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही दिल को खुशी हुई आपने सुनाया हमें सहरा। बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत प्यारा, हमें बहुत पसंद आया माशाल्लाह। आज मिलने के लिए मैं आया था, ये हमारा दोस्त भी है माशाल्लाह। हाँ, तो ये बोल रहा कि मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा चाय पानी पियो रोटी खाओ। कहने कहे मैं जा रहा हूँ मुझे कोई और काम है। अच्छा, तो इनकी ढोलक हमारे पास थी ये। हाँ वही लेने आए थे। बहुत अच्छा इंसान है माशाल्लाह। हमारी शादी ब्याह पे यही आता है। हाँ माशाल्लाह यही आते हैं। हमारा पूरा राज जो है ना बस्ती सब इन्हीं का है। हाँ ऐसे फरमान भाई जी सर, ढोल के लेने आए हो जी सर। हाँ अबू जान ये पहले दो तीन दिन अबू जान ने चलाई है तो फिर वो मजा नहीं आया जैसे कि आपने चलाई है जी। ये तो रोज चलाते हैं ना। हाँ कभी चलाया अबू जान ने कभी चलाई नहीं है ना, जिंदगी में पहली बार चलाई है तो इसलिए वो भी खुशी थी अपने बेटे की, तो इसलिए जो है चलाई है, नहीं तो आती तो नहीं है। सब लोग खुश हो रहे हैं इसीलिए मैंने चलाई। आपने क्यों मुंह नीचे किया हुआ तहर भाई, इधर नहीं देख रहे? बातें सुन रहे हो इधर, प्यारे बहन भाई देख रहे हैं वो क्या कहेंगे कि आपने तो मुंह नीचे किया हुआ है, नजर तो किसी को आ नहीं रहा। हाँ इधर देखो ना कैमरे की तरफ, मैंने आपकी तरफ कैमरा किया हुआ, मैं काफी देर से देख रहा था। मैंने कहा फिर वो सेहरा सुना रहे तो बीच में टोकना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने आपको कहा नहीं।
9 दिन हो गए इनकी शादी को। हाँ माशाल्लाह, टाइम का पता ही नहीं चलता, जिंदगी बड़ी तेजी से गुजरती है। जाने का भी, वापसी का भी टाइम हो गया, ये भी चला जाएगा आपकी ड्यूटी पे मंडी बहुत दिन। हाँ ये फिर वापसी आ जाएगा ना एक महीने के बाद। वो भी जतो ही शहर जा रहा है, हम अकेले यहाँ पे बैठे उदास। हाँ अभी तो इसको देर है ना, मैं तो वापसी आ जाऊंगा। वो कितने दिन लगाएगा? मैं लगाऊंगा 5-6 दिन तो लगाऊंगा। ठीक है, शायद भाई को हमारे दुआ सलाम करना। हाँ और अब्दुल खालिक को, जो हमारे दोस्त अहबाब वहाँ पे रहते हैं सबको। अच्छा ठीक है, फिर तू वापस आएगा उसके बाद मैं चक्कर लगाऊंगा। चलो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़। मुझे काम से देर हो रही है, मैंने जाना है काम पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। सबको दुआ सलाम, जो भाई भाई हमें देख रहे हैं सबको दुआ। बहुत बहुत शुक्रिया फरमान भाई। अभी अबू जान ने बुलाया था। हाँ जी। अंदर गया हूँ तो वो ढोल ढोलकी वाला आया हुआ था, ढोलकी उठाने के लिए जी। उसने सहरा सुनाया, बहुत ही प्यारा जी। बहुत ही अच्छी आवाज है, बहुत ही प्यारी आवाज है माशाल्लाह उसकी। हाँ जी। वो कहते हैं जिसका काम उसी को। अबू तो फिर भी खुशी के मारे, अबू फिर भी झूम रहे थे, बजा रहे, चाहे नहीं भी आता जी। लेकिन उसकी आवाज अभी सुनिए ना, बहुत ही प्यारी आवाज है जी। तो सब बहन भाइयों भी आप जो है कमेंट्स में बताना कि उसकी आवाज जो है आपको कैसी लगी ढोल वाले ढोलकी वाले की, तो आप सबने जरूर बताना है ऐसे। ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ काम पे, मुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। आपने भी जाना है मेरे साथ? नहीं, हम जा रहे हैं अम्मी जान की दवाई लेने अस्पताल। कौन कौन? तहर भाई और अम्मी। तहर भाई, अम्मी और आप, तीन बंदे। हाँ जी। अम्मी की तबीयत सही नहीं है जी। तो प्यारे बहन भाई, अम्मी की जो है तबीयत बहुत खराब है। तो आप सब ने दुआ करनी है कि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक हो जाए जी। अभी जो है वो मेरे मामू के घर गई हुई हैं। हाँ। तो वापसी आएंगी तो फिर जाएंगी दवाई लेने। मुझे तो देर हो रही है, मैंने जाना है काम पे जी। तो तहर भाई जो है जा रहे हैं अम्मी की दवाई लेने। आप जा रहे हो? चलो ठीक है ठीक है जी। तहर भाई को ले जाना दवाई लेने के लिए। अस्पताल का पता है ना इसको? यार मैं फिर जा रहा हूँ काम पे, आप जो अम्मी की दवाई ले आओ ठीक है। अम्मी बहुत परेशान है। आप भी जा रहे हैं? हाँ, अम्मी की बहुत सारी तबीयत खराब है। तो आप सब ने दुआ भी करनी है अम्मी की तबीयत ठीक हो जाए ऐसे शीना। ठीक हाँ है फिर, अल्लाह हाफिज़। मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है, बहुत देर हो गई है, 10 इधर ही बज गए, 10 बजे मैंने काम पे पहुँचना था यार। अल्लाह हाफिज़। फिर अगर कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर लेना ठीक है, अस्पताल में आ जाऊँगा। मैं तो शहर ही जा रहा हूँ ना वैसे, तो उधर ही है अस्पताल, मेरी होटल से तो काफी सारी आगे है। लेकिन फिर भी अगर कोई मसला हो तो मुझे फोन कर देना, मैं फौरन आ जाऊंगा ठीक है। अल्लाह हाफिज़।